जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीताराम। गुरु जी की संगत का असर है। मीरा भाईंदर की पावन धरती को जो सौभाग्य मिला है 18 और 19 मार्च को, और वो सौभाग्य को रुद्र जी यहाँ खींच के लाए हैं और हम सब के साथ लाए हैं। राणा जी है, मनोज भैया है और आप सभी के साथ इस पावन धरती को, महाराष्ट्र की इस पावन धरती को मैं पावन ही कहूँगी कि हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना हमारे गुरु जी ने की है, तब हम ये सोचते थे कि इसका उद्गम स्थान कहाँ से होगा, तो रुद्र जी आपने इसका उद्गम स्थान भाई महाराष्ट्र में भिवंडी में दे दिया, और यहाँ से जो बिगुल बजेगा वो पूरे महाराष्ट्र में फैलेगा। रुद्र जी के पूर्ण परिवार को भी मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस सुंदर कार्य में आप सभी का सहभाग है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वैसे गुरु जी की कृपा है, बालाजी की कृपा है, तो इस काम में कहीं विघ्न नहीं आएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा हमेशा आप लोगों पे बनी रहे। और एक बागेश्वर धाम भिवंडी में बना है, दूसरा महाराष्ट्र में ऐसे ही जगहों पे बनता रहे, और बालाजी की कृपा पूर्ण महाराष्ट्र पे और वैसे ही पूर्ण देश पे बरसती रहे। इस कामनाओं के साथ आप सभी का शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं करते हुए फिर आपको प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।